लिए स्नैक्स, तो ये छोटे से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप घर में ट्राई कीजिए और हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। सो बहुत ही बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य स्टूडियोज किचन। तो आज हम बात करेंगे रश्मि जो आज की एक्टर है यहाँ पे, तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे सीखेंगे कि बच्चों के लिए, ये जो बच्ची हमारी, उसके लिए जो बेबी फूड्स है लाइक निमकी स्नैक्स, वो हेल्दी स्नैक्स कैसे बनाया जाए। तो ये आटा है, देखिए ये गूंथ रही है। हाँ, तो ये आटा मैंने लिया है थोड़ा सा, क्योंकि प्रिशा को निमकी बहुत पसंद है, तो मैंने आइडिया से अपना आटा ले लिया, क्योंकि मैं कोई वैसे प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं। yes. तो मैंने आइडिया से ले लिया है कुछ आटा, देख लो, क्योंकि प्रिशा को निमकी बहुत पसंद है। okay. और निमकी जनरली मैदे का बनता है, बट प्रिशा के लिए मैदा उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आटे का बनाया जाए, और वो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कभी मुरमुरा है, ये मखाना है, किशमिश है, आप ऐसे दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर उसको खाने के लिए। okay. ताकि अब वो खेल रही है तो कुछ ना कुछ खाते रहे। तो इसलिए ये अभी आप, ये सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये क्या डाला आपने? तो ये मैंने बनाया है, मतलब ये मैंने इसमें आटा डाला, अजवाइन डाली है, मंगरेला डाला है, ताकि कुछ भी पेट वेट ऐसे खराब ना हो। थोड़ा सा मैं इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हो। ओके, ठीक है। और ये बच्चों का फूड है तो आप ज्यादा नमक भी नहीं डाल सकते हो। ओके, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल सकते हो। ध्यान रखिए कि तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मास्टर शेफ, तो ये मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ। और ये झाग भी हो गया है क्योंकि वो गर्म है। और वो हाथ नहीं डालना है आपको, धीरे धीरे करके आप ऐसे करोगे, क्योंकि आपको जल्दी बनाना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ऐसे करोगे, आप लोग प्लीज घर में ट्राई कर रहे हो तो आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, हाथ जल सकता है। और इसको अच्छे से मिलाना है, तो ये जितना ही अच्छे से सॉफ्ट मिलेगा उतना ही आपका जो ये निमकी है, जो बिहार में इसे निमकी बोलते हैं, तो ये आपने इसमें मोइंग डाला। यस, ताकि ये और थोड़ा अच्छा सॉफ्ट और क्रंची बने। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मिलाएंगे। आप देख सकते हो कि आटे का कलर चेंज हो गया है, हल्का, ये हल्का ब्राउनिश हो गया है, और ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं अपना, वैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि ये गीला ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने आटा को अच्छे से गूंथ लिया है और ये बहुत सॉफ्ट भी बना है। लेकिन एक और बात, जब आप मैदा में बनाते हो तो आपको कम पानी की जरूरत पड़ती है, बट आटा में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसे और सॉफ्ट भी बनाना होता है हमें। तो मैं इसका लोई बना लेती हूँ, अच्छे से गोल कर लेती हूँ। ओके, और आप ऐसे चकले पे ऑयल लगा लेना, वरना क्या होगा, चिपक जाएगा आपका आटा। तो मैं आटा में से पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा मैदे से बनाया है, तो मुझे नहीं पता है कि आटे में वो कैसा आएगा फ्लेवर, लेट्स सी। और मैंने यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए तब तक के लिए डाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से, क्योंकि हम इसको अगर आटा के साथ थोड़ा सा लगा के और फिर करते तो ये बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे से गोल गोल ये घूम जाता खुद से, क्योंकि हम ऑयल के साथ किए हैं। एकदम पतला भी नहीं करना है और मोटा भी नहीं रखना है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर ये बहुत पतला होगा तो ये ऑयल में जाने के बाद अच्छे से नहीं फ्राई होगा, और मोटा होगा तो ठीक से पकेगा नहीं वो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी सटा नहीं है, ये देख सकते हो इसकी लेयर ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, आप ऐसे काट सकते हो। तो मैं चाकू से काट रही हूँ, ताकि ये इजीली अच्छे
अच्छे से निकल सके। तो मैंने ये कट करके निकाल दिया है और इसको मैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसको डाल रही हूँ और देख सकते हैं वो कैसे ऑटोमेटिक वो अलग अलग हो गया है क्योंकि वो चिपक गया था। और इसको बहुत लाल नहीं करना है क्योंकि अगर आपको अंदर से लगेगा कि ये बहुत वैसा भी लाल नहीं हुआ है और कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होगा जब आप निकालोगे तो जला जला फ्लेवर आएगा। देखिए ये ऐसा हो गया, ऑटोमेटिक ये अलग अलग हो गया, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि जब आप काट के निकाल रहे हो तो ये चिपक रहा है और ऐसा, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। तो ये बिल्कुल ऐसा शेप में आएगा। अब मैं बाकी की जो है वो भी डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वो सब कुछ छान लिया है और ये बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपका नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है क्योंकि ऑयल में डालने के बाद ये ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। मैंने थोड़ा बड़े बड़े शेप में रखा है इसलिए क्योंकि प्रिशा को पकड़ने में भी आसानी हो, वो अच्छे से खा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आटे से हमने बनाया है प्रिशा के लिए स्नैक्स, जो कि हम उसे खेलते हुए टाइम पे या कुछ टाइम पे ऐसे दे सकें और वो अपना टाइम पास भी करते जो है, और आटा है से बना है तो आटे से उसको फाइबर भी जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी और जो मैदा से उसको नहीं मिलेगा। तो ये छोटे से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप घर में ट्राई कीजिए और हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। सो ओके, तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज एकलव्य स्टूडियो। बाय बाय, टेक केयर। का हो अभी तक हमारा एकलव्य स्टूडियो चैनल को ना सब्सक्राइब करला? सब्सक्राइब करना रे जल्दी।